चर्च तोड़ सकता है, तू हमारे चर्चों को गिरा सकता है, तू हमारे चर्चों के बिल्डिंग जला सकता है, तू मसीहों को काट सकता है, पर तू मसीहों को बदल नहीं सकता है। तू इस बाइबल को जला सकता है पर इस बाइबल को बदल नहीं सकता है। हालेलुया, तू इसे फाड़ सकता है पर तू इसे बदल नहीं सकता है। मिशनरियों पर गलत तरीके से धर्मांतरण का आरोप लंबे समय से लगता रहा है, लेकिन अब भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ईसाई समुदाय कभी गलत तरीके से धर्मांतरण नहीं करता। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति में इस समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बावजूद ईसाइयों को सम्मान नहीं मिलता क्योंकि वो अपना ढिंढोरा नहीं पीटते। उन्होंने कहा कि ईसाई स्कूल देश में लगभग हर जगह पाए जा सकते हैं। महात्मा गांधी से लेकर फिल्म स्टार शाहरुख खान तक कई हस्तियों ने ऐसे संस्थानों में पढ़ाई की है। बात हो रही है अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला की। उन्होंने शुक्रवार को कोलकाता में एक शांति रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस रैली में उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरीज के तमाम स्वास्थ्य केंद्र और वृद्धाश्रम हैं, इतने योगदान के बाद भी कोई सम्मान नहीं है। ऐसे आरोप गलत लगते हैं कि हम लोगों का धर्मांतरण करते हैं। नहीं, हम लोगों का धर्मांतरण बिल्कुल नहीं कराते। उन्होंने कहा कि हमें शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ये समय एकजुट होने का है। उन्होंने कहा कि समुदाय के सदस्यों को छत्तीसगढ़ की तरह अन्याय का सामना नहीं करना चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में ईसाइयों के चर्च तोड़ दिए गए थे। जब से मैं मंत्री बना, अल्पसंख्यक मंत्री के रूप में, ईसाई के रूप में, मैंने सोचा कि देश के लिए हमारा क्या योगदान है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दोनों ही समय में हमने क्या किया और बदले में हमें क्या मिला, हमारे योगदान के लिए क्या हमें सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि देश में दूर दराज इलाकों में भी ईसाई स्कूल हैं जहां कोई सरकारी संस्थान नहीं है। बाला ने दावा किया कि स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, पवार परिवार और फिल्म स्टार शाहरुख खान जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों ने ईसाई स्कूलों में पढ़ाई की है। बाला ने कहा कि ईसाई लोग सरकार के खिलाफ नहीं हैं, व्यवसायी और राजनेता अपने बच्चों को ईसाई स्कूलों में भेजते हैं, फिर हम क्यों पिटेंगे। धर्मांतरण के लिए ईसाइयों को दोषी क्यों ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि समुदाय की भी गलती है, दोष यह है कि हम राष्ट्र के लिए अपना योगदान दिखा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें कोई सम्मान नहीं मिलता। बता दें कि इससे पहले आरएसएस के राष्ट्रीय मंच ने पहली बार देश के विभिन्न इलाकों में क्रिसमस भोज का आयोजन किया था। यह आयोजन साल 2022 के दिसंबर में क्रिसमस के अवसर पर किया गया था। इस आयोजन मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को शुभकामनाएं। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में शुरू में देखा कि पास्टर जो है वो बता रहे हैं कि तुम बाइबल जला सकते हो, चर्च तोड़ सकते हो, लेकिन बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ है यीशु मसीह की बातें, परमेश्वर की बातें, उसको नहीं बदल सकते हो। जी हाँ मेरे मसीही भाई बहनों, आए दिन छत्तीसगढ़ से लेके बिहार से लेके उत्तराखंड से लेके महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश तक जहाँ जहाँ मसीह सताव हो रहा है मेरे मसीही भाई बहनों, उस पर ये पास्टर ने बहुत खूब कहा है। सच में तुम सब कुछ कर सकते हो जो जिसके अंदर मसीह का आत्मा वास करता है, मसीह का वचन इस हृदय में वास करते हैं, उसको तुम नहीं बदल सकते हो मेरे मसीही भाई बहनों। अब मैं आपको बात करने जा रहा हूँ राजनेता, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री से लेके छोटे से राज्य मंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री तक हर कोई यीशु मसीह के पीछे आना चाहता है, हर कोई यीशु मसीह के परमेश्वर के बातों को करना चाहता है। लेकिन अफसोस इस बात का कि आज यह सब होने के बावजूद भी ईसाइयों पर हमेशा आए दिन प्रोसिक्यूशंस का मामला सामने आता है मेरे मसीह भाई बहनों। देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही दुखनीय निंदनीय बात है और बहुत सारे से लोग बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, ये मसीहों पर इस तरह से, ईसाइयों पर इस तरह से प्रोसिक्यूशंस यानी इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिस तरह से चर्च तोड़े जाते हैं, जिस तरह से ईसाइयों को उठा के जेल खाने में बंद किए जाते हैं, ये सब गलत है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, बाइबल में बताती है कि बाइबल में अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। इसका लिए तैयार हो, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो स्वयं से अपने आप से इनकार करे मेरे मसीही भाई बहनों। सच में हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जो भी बात, एक एक वचन जो बताया है बहुत ही यूनिक और बहुत ही अहम बताया। इस सारी बातों को सुनने के बाद, हर एक चीज़ को जानने के बाद, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ही क्रिसमस अपने घर पे मनाया और चर्च में जाते हैं, चर्च के में पादरी पास्टर से बात करते हैं और ब्लेसिंग लेते हैं, और वहाँ से निकलने के बाद फिर कुछ समय के बाद चर्चों पर
हमले स्टार्ट हो जाते हैं और चर्चों के पादरियों को उठा के जेल खाने में और लगता है धर्मांतरण का आरोप। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसा कि यहाँ पे बीजेपी नेता उन्होंने बताया है कि जिस तरह से ईसाइयों पे हमला हो रहा है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, कलकत्ता के बीजेपी नेता ने इस बात को बताया और रैली निकाला, जिस तरह से आपने पास्टर्स के साथ एक रैली में निकलते हुए देख पा रहे हैं। मेरे मसीह, देखा आपने वीडियो में, मेरे मसीह भाई बहनों, इस तरह से कई खबर सामने आते तो हैं, मदद करने के लिए आते तो हैं, ईसाइयों लोगों को मदद करने, लेकिन कुछ लोग जो है जो नफरत फैलाने का काम करते हैं उसके खिलाफ कब एक्शन होगा, इस पे कार्रवाई कब होगा। मेरे मसीह भाई, जब मामला जब इस सब चीज़ों को लेकर कोर्ट पे जाता है तो कोर्ट में कोई सबूत नहीं पाया जाता है और कोर्ट उसको बेइज्जत बड़ी कर देता है। मेरे मसीह भाई बहनों, बहुत ऐसी न्यूज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हमारा जीसस हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आप सबको बहुत शुक्रिया, आशीष दे, आमीन।